ये देखिए मेरी गाड़ी पे पथराव करके पुलिस ने मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया, और ये एक बुलेट प्रूफ गाड़ी है जिसका शीशा तोड़ दिया है। ये पुलिस पथराव कर रही है, शेलिंग कर रही है नैब के ऑफिस के आगे से कारकुनों को मुंतशिर करने के लिए। ये देखिए ये शीशा टूटा है मेरी गाड़ी का, ये देखिए। भाई अगर आप इतना डरते हैं मुस्लिम लीग नून से, आप इतना डरते हैं नवाज शरीफ से, आप इतना डरते हैं मरियम नवाज से, तो फिर आप मरियम नवाज को बुलाते क्यों हैं? जब इतना खौफ है तो बुलाते क्यों हो? और अगर बुलाते हो तो हौसला रखो, जिगर रखो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सलीम नवाज और आप देख रहे हैं डेली न्यूज। सबसे पहले माजरत के मैं प्रॉपर स्टूडियो में नहीं बैठ सका, क्योंकि अगर करंट अफेयर्स का न्यूज़ चैनल हो, यूट्यूब चैनल हो, तो आपको फौरी अपडेट करना होता है। तो इस हवाले से मैंने फ़ौरन ये सेट खुद तैयार किया और आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। इसी हवाले से आज मरियम नवाज़ की पेशी थी, वहाँ पर जो कुछ हुआ इस हवाले से मैं आपके सामने अपडेट्स रखूँगा, क्या मामलात वहाँ पर हुए। ये पथराव किया गया मरियम नवाज़ की गाड़ी के ऊपर, मरियम नवाज़ खुद बोल रही है अपने मोबाइल से, उन्होंने वीडियो बनाई गाड़ी के अंदर से, उनकी गाड़ी का शीशा बाकायदा टूटा हुआ है, और उन्होंने कहा कि ये पथराव पुलिस की जानिब से किया गया। दूसरा उन्होंने ये कहा कि अगर आप डरते हैं, आप नहीं बुला सकते, आप नवाज शरीफ से डरते हैं, तो फिर आप इस तरह क्यों बुलाते हैं? अगर बुला लिया तो अब संभाल लो सिचुएशन को। सिचुएशन वहाँ पर इतनी ख़राब हो चुकी है कि अब नैब ने बाकायदा एक ऐलान किया है, ज़राए बता रही है कि नैब कह रही है कि हम अभी इसको सुन नहीं सकते क्योंकि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, और जेन्युइन एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। तहरीक इंसाफ के कुछ लोग जो थे वो रात को मजाक उड़ा रहे थे कि पता नहीं 10-15-20-35 लोग आएंगे, और सुबह 10 बजे तक सिचुएशन यही थी। मैंने खुद वीडियोज़ देखी, तस्वीर देखी कि 7-8 लोग नारे लगा रहे हैं। आप भी ये वीडियो देख लें। अब आपने ये वीडियो देखी, ताहिर मुगल साहब है तो ये 7-8 लोगों के साथ यहाँ मौजूद थे। नैब ऑफिस के बाहर के मनाजिर आप देख सकते हैं कि वहाँ पर भी सुबह के टाइम कुछ ही लोग मौजूद थे, पुलिस ज़्यादा थी, जो PMLN के कारकुनान थे वो बहुत कम थे। लेकिन जब जैसे ही मरियम नवाज़ वहाँ अपने घर से निकली है, जाती उम्रा से नैब पहुँची है, तो वहाँ पर जमे गफीर वाकई था, जनमन लोग थे। मतलब कि आप किसी पेशी पर कोई सियासतदान जाता है तो इतने लोग आम तौर पर नहीं होते, इतना एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं किया जा रहा था। मुखालफीन अभी तक कह रहे हैं कि 35-36-37 लोग थे, ऐसा नहीं था। मैं ये कह सकता हूँ कि हज़ारों में भी नहीं थे, लेकिन 2-3 हज़ार लोग वहाँ पर मौजूद थे। उसमें PMLN की जो थी खातून कारकुनान थी, अजमा बुखारी, हिना परवेज़ भट्ट, उसके अलावा साद रफीक वगैरह, राणा सनाउल्ला वहाँ मौजूद थे, और हालात इतने ख़राब हो गए कि राणा सनाउल्ला को अंदर जाना पड़ा। अब बात करते हैं कि इस पथराव की, पथराव में मरियम नवाज़ कह रही है, मुस्लिम लीग नून कह रही है कि पुलिस की जानिब से पथराव किया गया। एक और वीडियो जो 92 न्यूज़ ने चलाई है, मैं चैनल पर नहीं चला सकता, तो इसकी वजह यह कि कॉपीराइट का इशू होता है। अगर मेरे तक वीडियो आ गई तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे इस वक्त, अगर मेरे पास मौजूद हुई जब तक मैं एडिट कर रहा हूँ। तो अज़हर मशवानी जो कि CM पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के सोशल मीडिया के फोकल पर्सन है, उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है 92 न्यूज़ की। उसमें बाकायदा दिखाई दे रहा है कि PMLN के कारकुनान जो है वो पत्थर उठाकर मार रहे हैं अपनी ही गाड़ी को और कुछ पुलिस वाले को मार रहे हैं। एक वीडियो मैंने ऐसी भी देखी जिसके ऊपर कॉपीराइट का इशू है, एक चैनल ने चलाई है इसलिए मैं उसको नहीं चला सकता, जिसमें पुलिस कारकुनान को धक्का दे रही है लेकिन पुलिस के हाथ में पत्थर नहीं है। लेकिन अभी तक ये बात बिल्कुल भी वाजह नहीं हो सकी, सामने नहीं आ सकी, कोई ऐसी क्लियर वीडियो नहीं है जिसमें बाकायदा दिखाई दे रहा हो कि पुलिस ने पत्थर उठाए हो और वो मरियम नवाज़ की गाड़ी पर मार रहे हो। अब बात करते हैं इस सिचुएशन की कि पुलिस से ये काम अगर लिया जा रहा है और पंजाब हुकूमत कर रही है तो ये बहुत ही अफसोसनाक है। पुलिस इसलिए नहीं है, पुलिस अवाम की हिफाजत के लिए। मरियम नवाज़ एक सियासी कारकुन है, आप उनसे शदीद इख्तलाफात रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन अब ये काफ़िले के साथ आई और पाकिस्तान में जिस पर जितना बड़ा इल्ज़ाम होगा उसको इतने प्रोटोकॉल से लेकर जाया जाता है, वो किसी इदारे में जाना हो या जेल जाना हो या जेल से वापस आना हो, ये कोई बड़ी बात नहीं रही। अब जितना बड़ा इल्ज़ाम आप पर होगा आपको उतना प्रोटोकॉल दिया जाएगा, लेकिन अगर पुलिस को पंजाब हुकूमत ने इस मकसद के लिए वहाँ पर इस्तेमाल किया है कि वो सियासी कारकुनान के ऊपर, मरियम नवाज़ के ऊपर पथराव करें, तो ये इंतहाई अफसोसनाक है, इसकी सब मजम्मत करेंगे। लेकिन इससे पहले हम सोचते हैं कि जब PMLN का दौर था, 2 दफ़ा मुसलसल शहबाज शरीफ पंजाब में हुकूमत करके गए, और आखिरी जो 5 साल हुकूमत की 2013 से 2018 तक मियां नवाज शरीफ की, तो उसमें आप पुलिस को क्यों नहीं ठीक कर सके? पुलिस को आपने किस किस मकासद के लिए इस्तेमाल किया? आपने जलसों के लिए इस्तेमाल किया, आपने गुंडागर्दी के लिए इस्तेमाल किया, आपने वोट के लिए इस्तेमाल किया, आपने इलेक्शन कम्पेन्स के लिए इस्तेमाल किया, आपने मतलब कि जो कब्ज़े वगैरह होते हैं वो उसके लिए पुलिस को इस्तेमाल किया।
तो पुलिस को तो आपने भी इस्तेमाल किया, पुलिस को आपने ही ख़राब किया है। अगर आप उस वक्त पुलिस रिफॉर्म्स कर देते तो शायद आज ये सूरत हाल ना होती। लेकिन पुलिस के रिफॉर्म के हवाले से तहरीक इंसाफ ने भी बहुत वादे किए आवाम से, और इस पर बहुत बड़ा वोट भी लिया पंजाब के लोग, जो बहुत तंग थे पुलिस से। आपके सामने सानिहा मॉडल टाउन है, उसके बाद इसी हुकूमत में सानिहा साहिवाल हो गया। अभी तक किसी किस्म की कोई वाज़े रिपोर्ट नहीं आ सकी कि क्या हुआ है। तो पुलिस की रिफॉर्म्स की बात जो तहरीक इंसाफ कर रही थी, बदकिस्मती से वो भी पुलिस रिफॉर्म्स नहीं कर सके। जब पुलिस रिफॉर्म्स नहीं होंगी तो ये हालात इस तरह के ज़रूर पैदा हुआ करेंगे। पुलिस को आप किसी भी मकसद के लिए आप इस्तेमाल कर सकेंगे, लेकिन अभी तक ये जो बात है मुबैना तौर पर है कि पुलिस की तरफ ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, जबकि पंजाब हुकूमत के कुछ लोग उनके सोशल मीडिया के फोकल पर्सन कह रहे हैं कि नहीं, ये जो है इनके कारकुनान की तरफ से इस तरह की सिचुएशन बनाई गई ताकि मरियम नवाज़ को जो पेशी के मौके पर नैब के ऊपर और हुकूमत के ऊपर और इदारों के ऊपर प्रेशर आ सके और इस तरह उनको रिलीफ मिल जाएगा। और वाकई उनको कुछ रिलीफ मिलने वाला है। ज़राए बता रही है कि नैब ने कायद कह दिया कि हम आज तफ्तीश नहीं कर सकते, इसलिए हम किसी कोई और दिन रख लेते हैं, हालात अभी इतने साजगार नहीं है। और मरियम नवाज़ की जगह राणा सनाउल्ला साहब वो अब नैब के दफ्तर अंदर पहुँच गए हैं। अब इस हवाले से मजीद जो अपडेट आती है मैं उससे आपको ज़रूर आगाह करूंगा। वीडियो बनाने के मकासद दो ही थे। नंबर वन, जो पथराव किया गया अगर पुलिस की तरफ से किया गया है तो इंतहाई अफसोसनाक है। दूसरा मकसद ये है कि अगर आप पुलिस को ठीक कर देते इससे पहले के हाकिम तो शायद ये सूरत हाल पैदा ना होती। तीसरी बात ये कि अगर ये हुकूमत पुलिस को ठीक कर देती है, क्योंकि कल को आपको भी ये आपके ऊपर भी ये वक्त आ सकता है, क्योंकि जो हुकूमत गुजर जाती है उनके खिलाफ फिर नैब के केसेस बन जाते हैं। ये तसलसल चल रहा है 1997 से, जब से नैब बनाई गई है तब से ये मामला चल रहा है कि जो हुकूमत गुजर जाती है आने वाली हुकूमत उनके ऊपर नैब के केसेस बना देती है, कुछ को अंदर कर देती है, कुछ को बाहर भेज देती है और कुछ को इधर उधर रोल देती है। तो खैर, मरियम नवाज़ आज बाहर आई, उन्होंने वीडियो बनाई, वीडियो आप लोगों ने देख ली, एक बार फिर से देख ले अंदर और बाहर के मनाजिर क्या थे इस टाइम। अब आपकी इस बारे में क्या राय है कि ये पथराव किसकी जानिब से किया गया, क्या ये दुरुस्त था या गलत था? अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा। अगली अपडेट तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।